किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। आज हम एक वीडियो के साथ न्यू महिंद्रा 265 DI और ये मिस्त्री जी यह देखिए, इसका कार्बन टूट गया है। हम इसमें कार्बन की जगह बैरिंग लगाएंगे, दिखाएंगे आपको वो भी। ये देखिए, यहाँ पे ये लॉक निकालेंगे हम इसका। ये देखिए, ये इसकी फिंगर वगैरह भी ख़राब थी। बढ़िया सिंह भाई, ये प्रेशर प्लेट है, ये इसके आई बोल्ट के खच्चे कट गए हैं यहाँ से। इसको हम प्रेशर प्लेट को इसी को रिपेयर करेंगे, इसमें बुश लगवाएंगे। यहाँ से इसका फेस ख़राब है और इसका फेस खराब है। ये मेन सील भी लीकेज है, चल रही है इसकी। काफी कचरा है, क्लच रिपेयरिंग चलता है इसका काम। ये साफ कपड़े से पूछते हुए थे, पूरी डिटेल देखिए। इस बैरिंग को निकाल रहे हैं क्रैंक में से। ये हाँ, ये हम कपड़े की सहायता से बोल्ट इसे बैरिंग को निकालते हैं। ये कपड़ा है, कपड़े को हम रख सकेंगे। Thank you.
चलो यह देखिए बैरिंग बाहर आ रहा है, यह देखिए आने लगा है धीरे धीरे, ऐसे ही आता है बैरिंग। सभी का अपना तरीका है, हमारा ये अपना तरीका है। हमारे पास इसके लिए निकालने के लिए कोई स्पेशल टूल नहीं है। ये मोमबत्ती भर सकते हैं इसकी जगह कपड़े की यहाँ पे, मगर हमारे पास वो मोमबत्ती अवेलेबल नहीं है, मार्केट दूर है यहाँ से। यह देखिए हर चोट के साथ आ रहा है बाहर को, देखिए काफी बार आ चुका है। यह देखिए कितना बार आ चुका है, ये धीरे 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 आएगा, जितना कपड़ा अंदर जाता रहेगा। तो तुम बता मैं देखिए इस सील को निकाल दी और इसमें हम नए मॉडल की सील घेरेंगे। ये देखिए सील को गौर से देखना, ये देखिए ये किस टाइप की है, और देखिए हम नए मॉडल की सील डाल लेंगे इसमें। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की सील है, ये इसमें कवर आता है। इस सील को देखिए किस तरह की है, ये देखिए यहाँ से ये सील ऐसी है कि जल्दी से लीकेज नहीं होती, जो है कह देते हैं दादा लेयर पोता पड़ते हैं, वे वाली सील है। और क्रैंक का बैरिंग निकाल दिया है हमने इसका, उसको भी दिखाएंगे हम। सील को वाल की सहायता से ठोकेंगे,
सील लग गई है यहाँ पे। अब इस बैरिंग को लगाएंगे, क्रैंक के बैरिंग को। ये 6204 नंबर है, NBC का बैरिंग है। ये देखिए यहाँ पे, ये NBC का बैरिंग घेरा है हमने। इसकी मेन सील भी ज़्यादा लीक हो रही थी। देखिए ये बैरिंग भी चेंज हो गया। अब इंजन को घुमाएंगे हम। इंजन को घुमा के इस पिन को यहाँ पर लानी है सेंटर में। यह देखिए ये ले आए, और फ्लाई व्हील को लगाएंगे अब हम। इसका जो ये फ्लाई व्हील रिंग है ये रहा, यहाँ से कट रहा है। हमने इसको पलट कर डाला है, इसी कड़े को पलट कर डाल दिया है, नया नहीं डाला हमने। दंते दिखा दे, क्योंकि एक बार पलटने से भी चलता है फ्लाई व्हील का कड़ा। हम तो पलट के ही डाल देते हैं, जब दोनों साइड से खराब होता है तभी नया गिरते हैं। हमें तो कोई आज तक परेशानी नहीं आई, वैसे काम अपने हिसाब से करें। लगा दिया है हमने फ्लाई व्हील लगाने के बाद। ये 16 नंबर के बोल्ट हैं इसके फ्लाई व्हील में, इन बोल्टों को लगाएंगे। आवाज मान लो जिन्ने में। ये फ्लाई व्हील जब हम टाइट करते हैं तो इसके लिए ये राहुल का 19 नंबर का बोल्ट है, ये यहाँ पे डावल में डाल ले। ये उधर डावल में डाल दिया, ये इधर दिखाओ, ये यहाँ पे डाल लो। इस तरह फ्लाई व्हील घूमने का नहीं, अब अकेला आदमी दूसरे से ये व्हील पकड़वाने की ज़रूरत नहीं रहती, अकेला ये आदमी काम कर सकता है। टाइट हो चुका है, हम ये प्रेशर प्लेट को असेंबल करते हैं। ये ओल्ड मॉडल क्लच है। ये देखिए इधर से फेस कराई हमने, ये हमने बुश लगवाए हैं आई बोल्ट के। अब हम इसे फिट करते हैं।
फिर ये एक बाई बोल्ट, फिर ये आई बोल्ट की पिन पे हल्का सा ग्रीस, ये और ये लग चुकी है हल्का सा ग्रीस, यहाँ पे लगावें फिंगर पे हल्का सा ग्रीस, यहाँ पे लगावें ये ऐसे, और हल्का सा ग्रीस यहाँ पे लगा लें, इससे क्या होता है जल्दी से ये कटते नहीं है। फिर ये एक लॉक पत्ती, ये यहाँ पे पहले लॉक पत्ती ऐसे लगावें, फिर ये इस तरीके से, ये देखिए ये तीन स्प्रिंग, ये पूरी किट में ही आते हैं, इनको हल्का हल्का सा लगाती बार ये यहाँ से ऐसे हथेली रख के ऐसे दबा लें, फिर ये आउट नहीं होते, ये ऐसे तीनों को, ये ऐसे, और फिर ये हम यहाँ पे ये लगाए हैं, ये तीनों पत्ती लगा दी हैं, ये देखिए ये देखिए, आ लिया लंबरदार, आ लिया चाचा आ लिया, ये देखिए ये देखिए, काम काटना अपना, ये देखिए ये सारे स्प्रिंगों को सीधा कर लें, यहाँ पे एक भी स्प्रिंग डिस्टर्ब ना हो पाए, नहीं फिर बाद में परेशानी बनती है। ये सभी को देख लें अपने उस पर बैठे हुए हैं क्या, और ये जो हैं ये इन्हें पीछे को दबा लें ऐसे, और फिर ये पुलर पत्ते की सहायता से इसको ऐसे, ये यहाँ पे, और ये ऐसे, ये देखिए असेंबली फिट हो गई है यहाँ पे, ये हमने नाप तोल कर दी इसकी, ये देखिए कार्बन के अंदर ये बैरिंग फिटेड है, ये ऐसे ये चल रहा, ये कार्बन क्यों बार बार टूट जाता था, देखिए कार्बन बार बार टूटने की शिकायत थी, इसीलिए हमने इस कार्बन में ये बैरिंग डला हुआ लिया है, ये हमारे यहाँ पे मिलता है, इतना महंगा भी नहीं है, और इसकी कार्बन के मुकाबले अच्छी सर्विस है, ये लग गया, ये मेरा ये लॉक लगाएंगे हम, ये देखिए टंकी हिली हुई है यहाँ से, ये यहाँ पे बीच में गुटके आते हैं, ये गुटके हैं रबड़ के, ये गुटके निकले हुए हैं, अब देखिए हम गुटके लगाएंगे इनको यहाँ पे, इससे क्या होगा टंकी कटने की नहीं फिर आगे जाके समस्या बनेगी। जो ओनर है ये बहुत सीधे आदमी है, इन्हें बेचारों को नया नया ट्रैक्टर लिया है, अभी कुछ पता नहीं है इतना, बोल रहे हैं कि आवाज़ आ रही थी धधर धधर कर रहा था ट्रैक्टर, भाई आवाज़ तो करेगा जब टंकी के गुटके नहीं होंगे इसमें, ये देखिए ये हमने चारों बोल्टों में टंकी के चार गुटके लगाने हैं, एक लग गया है, अब ये दूसरा लगाएंगे, 11 नंबर के बोल्ट खोल लेंगे यहाँ से, Thank you.
आ जाओ ताऊ। ये चारों उठ के गिर चुके हैं, इनको देखिए अब टाइट करेंगे। पहले कभी इसमें स्टेरिंग वगैरह का जॉब हुआ है? ये गिरने बोलिए। चारों गुट के लगा दिए हैं, देखिए ये पत्ती चारों सीधी है। अब ये देखिए हिलनी रही, पहले ये हिल रही थी। थोड़ा अगर थोड़ा घना अलग से कोई काम दिखे तो कर देना चाहिए। प्लेट भी नहीं लगाई है ये, हमने पूरा कंप्लीट कर दिया मार्किंग ब्लॉक की सहायता से। इसका लेवल भी कर लिया है यहाँ का, तीनों फिंगरों का, तीनों फिंगर लॉक कर दिए हैं हमने। ये देखिए ये लॉक करने के बाद यहाँ पे हमने एलपी और हल्की सी मिट्टी डाल दी, क्या हो ये बोल्ट सरक जाते हैं फिर बाद में समस्या आवे, तो इसीलिए थोड़ी एलपी और थोड़ी सी मिट्टी डाल दें फिर ये बोल्ट चल नहीं पानेगा। बार बार जैसे हम इसको फिंगर को दबाएंगे बोल्ट चलने की उतर जाते हैं, कई परसेंट उतर भी जाएं। हमारे साथ हो गया एक दो बार, हम तो इसलिए लगाते हैं। यहाँ से जैक कट पे से भी मार दें बोल्ट का तब भी सरक जाएं, हल्का फुल्का इधर उधर होते ही पहिए में धड़धड़ाहट ऐसे वाइब्रेशन होने लगे क्लच की वजह से। और इधर ये हमने कार्बन में रिलीज बैरिंग लगाया है क्लच का, ये कार्बन से भी अच्छी सर्विस देगा। अभी हम इसे जोड़ेंगे, जोड़ते हुए दिखाएंगे आपको और फिर स्टार्ट करके चेक करके दिखाएंगे ये कैसा काम हुआ है। देखिए हम इसे वॉश कराएंगे सारे को, गंदा हो रहा काम होने के बाद वॉश कराएंगे इसको। ये उधर शामे खड़ा है, शामे ग्रिज, उसके स्टेयरिंग में जॉब की हमने, उसका स्टेयरिंग फेल हो गया था।